मेरी चल रही है आपकी पढ़ाई, तो आपको पता है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ज्वाइंट वेंचर का। तो ज्वाइंट वेंचर का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और एग्जांपल्स कर रहे हैं, उसकी विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो लास्ट विधि हमने पढ़ी थी तब उसमें ये था कि जो को वेंचर है वो अपना खुद का हिसाब किताब करता था, वो खुद का लेन देन रखता था। तो आज हम जो एक नई दूसरी विधि स्टार्ट करने वाले हैं, जब को वेंचर अपना हिसाब किताब के अलावा जो दूसरा को वेंचर है उसका हिसाब किताब भी रखता है। जैसे हमने पिछली विधि पढ़ी थी उसके अंदर मान लो दो को वेंचर है ए और बी, तो ए जो है वो सिर्फ अपना लेन देन, आपको पता है दो खाते बनाता था, पहला मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट। तो भले ही वो बनाता था ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट, पर हिसाब किसका, हिसाब किताब जो था वो किसका रखता था, वो खुद का रखता था। अब यहाँ पे क्या होगा, ए बी का भी हिसाब किताब रखेगा और बी ए का भी हिसाब किताब रखेगा। तो इस विधि के अंदर क्या होता है, दो खाते बनाता है आदमी। तो जो को वेंचर है वो जैसे ए है तो वो दो अकाउंट बनाएगा, पहला बनाएगा ज्वाइंट वेंचर, वही पहले की तरह सारे लेन देन के लिए, तो एक अकाउंट तो बना देगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनाएगा बी अकाउंट या दूसरे को वेंचर का अकाउंट। ऐसे ही जो बी होगा वो अपने यहां पर दो अकाउंट बनाएगा, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा एक अकाउंट। तो इस तरीके से ये होगा और ये दो अकाउंट बनाएंगे। अब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और समझ में आए तो आप पहला जो एग्जाम्पल होगा उसके अंदर हम लोग जर्नल एंट्रीज भी पढ़ेंगे, वरना आपको पता है कि हमें इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे हमें अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, खाते बनाने पड़ेंगे, पर हर बार कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमें जनरल एंट्री भी दी गई है। तो वो जनरल एंट्री के नोट्स आपको मिल चुके हैं, आप तक आपको मैंने कल ही प्रोवाइड करा दिए, तो आप लोग ने आप सबके पास वो नोट्स अब अवेलेबल है। तो उन एक काम करते हो, ये जो छोटा सा जो बनाया मैंने लेक्चर, इसके अंदर सिर्फ हम जो एंट्रीज हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, एक बार देख के समझ रहे हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में उससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो वो नोट्स जर्नल एंट्रीज के सभी के पास है, चलिए एक बार जल्दी से इन सभी एंट्रीज को देख लेते हैं। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने बोर्ड पर पहले ही लिख दिए, तो आप फटाफट आपके नोट्स में देख लेते हैं इन एंट्रीज को, जो थ्योरी है छोटी सी। तो यूं मान लीजिए ये जो लेक्चर है छोटा सा थ्योरी का लेक्चर है। तो साथी द्वारा स्वयं के लेन देन के साथ अन्य साथियों के लेन देन का लेखा करना, पहले जो विधि पढ़ी थी उसमें खुद के लेन देन का लेखा करना था, पर अब यहाँ पे क्या है वो दूसरे साथियों के लेन देन का लेखा भी कर रहा है। इस विधि के अंतर्गत पुस्तकों में दो खाते खोले जाते हैं, संयुक्त साहस खाता और अन्य साथी का व्यक्तिगत खाता। तो वही जो मैंने आपको बताया, एक अकाउंट वो खोलेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा अकाउंट खोलेगा वो दूसरे साथी का खाता। संयुक्त साहस खाता व्यापार और लाभ हानि खाते की तरह होता है। अब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट किस तरीके का बनता है अब ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को सबको समझ में आ चुका है कि जो भी खर्चे हमारे सब डेबिट साइड पे लिखेंगे, जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और बाद में जो प्रॉफिट या लॉस है वो बांट दिया जाएगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि ये इसकी जो खाता है व्यापार लाभ हानि खाते की तरह होता है और संयुक्त साहस का लाभ या हानि को प्रकट करता है और इसके लिए निम्न प्रविष्टियां की जाती है। तो कौन कौन सी जनरल एंट्रीज की जाती है एक बार फटाफट से उनको देख लेते हैं। सबसे पहले एंट्री जो आपके नोट्स में लिखी हुई है, स्वयं द्वारा संयुक्त साहस के लिए माल खरीदने या अन्य व्यय करने पर। तो अगर संयुक्त साहस के लिए हमने कोई माल वगैरह खरीदा है तो क्या एंट्री की जाएगी, अब सिंपल एंट्री पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो माल खरीदेंगे अपना कोई खर्चा करेंगे तो एंट्री क्या होगी, आपको पता है माल खरीदा परचेज तो डेबिट होता है, पर ज्वाइंट वेंचर में हम परचेज नहीं लिखते, एक ही समय लिखते हैं जब स्टॉक अपने पास रखते हैं, उसके अलावा हम परचेज या कोई भी खर्चे का नाम नहीं लिखते, हम उस जगह क्या लिखते हैं ज्वाइंट वेंचर। तो चाहे वो खर्चा हो या परचेज हो तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। तो पहली चीज तो आ गया हमारा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। उसके बाद अगर हम नगद में खरीद रहे हैं तो पैसा जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर देंगे, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर उधार है तो वेंडर का नाम आ जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो इस तरीके से अगर आप परचेज कर रहे हो तो परचेज को डेबिट करेंगे, परचेज को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ना किसी खर्चे को मेट का लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू वेंडर अकाउंट। वैसे कुछ बताने वाली बात नहीं, आप लोग पहले पढ़ चुके हो सब एंट्रीज। दूसरी एंट्री जो आपके नोट्स में, जरा उसको भी देख लीजिए फटाफट से, स्वयं द्वारा संयुक्त साहस का माल बेचने पर। अब अगर माल बेचा है तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट पैसा आ रहा है तो डेबिट कर लेंगे, और अगर ये नगद लिया है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उधार है तो कस्टमर का नाम आ जाएगा जिसको हमने बेचा है, वो पाने वाला उसका डेबिट कर देंगे टू ज्वाइंट वेंचर, तो यहाँ सेल्स नहीं लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के। फिर से बता रहा हूँ कि नई चीजें नहीं बताने के लिए, पहले आप सब पास ये एंट्रीज पहले भी लिखी हुई है पहले की विधि में भी, तो सेम होगा वही जो सबने पहली विधि पढ़ी थी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट वहां पर बनाया था, सेम वैसा यहाँ पे बनेगा। पर क्या कुछ छोड़ना नहीं है, हमें कवर सब कुछ करना है, इसलिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ एक तरीके से, बाकी नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो कैश अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तीसरी एंट्री पे आते हैं हम, तो तीसरे एंट्री जो आपके पास है, दूसरे साहसी द्वारा माल खरीदने पर या अन्य व्यय करने पर। देखो हमने जब खरीदा है माल तो एंट्री क्या करी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, नगद खरीदा तो टू कैश अकाउंट लिख दिया, उधार खरीदा तो वेंडर का नाम लिख दिया,
तो वैसे आप जानते हो को वेंचर खरीदेगा तो क्या होगा, इन दोनों के बजाय उसका नाम आ जाएगा को वेंचर का। बस ये करना था, बिल्कुल ये एंट्री हो जाएगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। तो ये भी पहले देख पढ़ चुके हम विधि, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। इसके बाद बात करते हैं अगला, अन्य साथी द्वारा माल बेचने पर। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां भी लग जाएगा, अगर हमने नकद बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है, किसी को उधार बेचा है तो कस्टमर का नाम आ जाता है वो डेबिट होता है, और अगर कोई कोवेंचर ले लेता है उस माल को तो कोवेंचर का नाम डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो इस तरीके चार चीज एंट्रीज हमने अभी बात करी है, दो परचेज की दो सेल्स की। अगर परचेज करते हैं कुछ खर्चा करते हैं तब तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा उस परचेज या खर्चे की वजह, और अगर हम माल बेच रहे हैं तो उस समय क्या होगा जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आई होप ये चारों एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम, तो यहां तक की बात हमारी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। आपका समय बचाने के लिए फटाफट से इतने गैप में ये सारी एंट्री हटा दी है, दोबारा लिख दी है, तो ये आपके टाइम और डेटा दोनों बचाने के लिए। चलिए चार एंट्री हमारी हो गई, अब आते हैं पांचवी एंट्री की तरफ। तो आपने पांचवी एंट्री लिखी संयुक्त साथ से स्वयं का ब्याज कमीशन आदि वसूल करने पर। तो ज्वाइंट वेंचर से हमने खुद का ब्याज या कमीशन वसूल किया, तो अगर मुझे ज्वाइंट वेंचर से ब्याज मिल रहा है कमीशन मिल रहा है तो क्या मेरे लिए इनकम है या नुकसान है? इनकम है ना, ब्याज मिल रहा है कमीशन मिल रहा है तो मुझे क्या मिल रहा है, इनकम होगी। इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो किधर लिखते हैं? आप सबको पता है इनकम होती है हमारी क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू कमीशन। यहाँ पे हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट से जो बाहर के खर्चे उन्हीं के लिखते हैं, तो अगर खुद को कुछ मिल रहा है इंटरेस्ट कमीशन कुछ भी चीज हमें खुद मिल रही है तो वहां पे हम उसका नाम लिख देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अगर जो ब्याज मिलेगा तो उसके लिए हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, और जो कमीशन मिलेगा उसके लिए कमीशन अकाउंट। तो एक क्रेडिट साइड पे दोनों आ जाएंगे, तो हमारी जो इनकम हुई हमें फायदा हुआ, चाहे वो ब्याज मिले चाहे कमीशन मिले। तो एंट्री हो जाएगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या कमीशन अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, छठी एंट्री आपने लिखी संयुक्त साहस का माल स्वयं रखने पर। माल स्वयं रखा है, स्टॉक हमारे पास आ रहा है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हो जाएगा। अब आपको पता है स्टॉक तो लिखते नहीं, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, परचेज। तो हमने एंट्री क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। तो स्टॉक हमारे पास आया, हमारी संपत्ति मतलब हमारी जो है कैपिटल बढ़ रही एक तरीके से, तो हमें कुछ चीज मिलती है, हालांकि बाद में उसको पैसा देना पड़ेगा अपने को, ठीक। तो ये फ्री में नहीं मिल रहा है, माल मिल रहा है हमें, उसको बदले में देना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। तो परचेज हमारा डेबिट हो जाएगा, तो स्टॉक ने लिखा हमने वहां पे क्या लिखा है, परचेज। आगे बढ़ते संयुक्त साहस का बचा हुआ स्टॉक अन्य साहसी द्वारा लेने पर या खरीदने पर। अब अगर हमने लिया तब तो हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, खुद ने लिया है तो, अगर कोई और कोवेंचर लेगा तो हम क्या करेंगे, परचेज हटा देंगे, उसका नाम लिख देंगे। तो अब एंट्री क्या बनेगी, कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो हमने कोवेंचर का नाम लिख दिया, कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। तो इसी की तरह नेक्स्ट एंट्री, अगली एंट्री आते हैं अन्य साहसी द्वारा संयुक्त साहस से ब्याज कमीशन वसूल करने पर। पहले एंट्री करी थी हमें खुद ब्याज कमीशन मिला था, अब अगर कोई दूसरा कोवेंचर है उसको ब्याज या कमीशन मिलता है तो क्या करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करना। हमें मिला था, हमने क्या लिखा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या कमीशन। अब अगर किसी दूसरे को मिल रहा है तो ये दोनों हटा देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं कोवेंचर का। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो ये ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर अकाउंट हो जाएगा अगर किसी दूसरे को ब्याज या कमीशन मिलता है। तो इस तरीके से देखिए, अगर खुद को ब्याज कमीशन मिल रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या कमीशन, और अगर कोवेंचर को मिल रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर अकाउंट। ऐसे ही अगर हम स्टॉक रख रहे हैं, बचा हुआ माल रख रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। परचेज माल हमारे पास आ रहा है तो स्टॉक को हमने स्टॉक के बजाय हम क्या लिख रहे हैं, परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। अगर कोई कोवेंचर ले रहा हो स्टॉक को तो हम क्या करेंगे, परचेज को हटा देंगे, उसके लिए लिखेंगे कोवेंचर, कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो इस तरीके से एंट्री होगी, तो ये एंट्रियां यहां तक की बात हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री जो आपने लिखी है, आपके जो नोट्स में लिखी हुई है, संयुक्त साहस का लाभ आपस में बांटने पर। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाता है, उसका लाभ जो होता है वो बांटा जाता है, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो जो स्वयं का लाभ है वो तो वहां पे तो लिख देंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल और टू कोवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो अपने लाभ के लिए टू पीएनएल, बाकी को जो कोवेंचर्स को लाभ मिल रहा है वो कोवेंचर्स अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल टू कोवेंचर।
वैसे आपको ये एंट्री याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सबको पता है हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में जब बनाते हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हम बना लेंगे, उसके बाद आपको पता है दोनों साइड का डिफरेंस होता है, अधिकतर जो प्रॉफिट होगा तो इस तरफ यहाँ पे आ जाता है, जो भी बैलेंस होगा यहाँ पर, तो बस वही एंट्री है, वही करना है हमें, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जिस जिसको मिला है अपने के लिए पीएनएल लिख देंगे, बाकी के उनका नाम लिख देंगे। तो एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, आप ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाओगे अपने आप हो जाएगा। इनफैक्ट वही एंट्री इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, इसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताई जा रही है, इनको आपको रटना नहीं, इनको याद नहीं करना, हमारा काम क्या खाते बनाना, और खाते कैसे बनाने आपको पता है, क्वेश्चन करते अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इन एंट्रीज के बाद, तो बड़े आराम से लिख सकते हो। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाओगे, जो भी खर्च होंगे सब डेबिट साइड पे लिख देंगे, इनकम सारी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, और जो डिफरेंस होगा वो बांट देंगे। तो इन एंट्रीज को ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो होगा लाभ हुआ, लाभ हुआ तो क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, इधर डिफरेंस आएगा डेबिट साइड पे उसको बांट देंगे। अगर उल्टा हो जाता है, हानि हो जाती है, तो ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ जाता है, तो फिर लिख लेते हैं को वेंचर्स को इधर लिख देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, को पीएनएल अकाउंट डेबिट, खुद की हानि है तो जो उसको तो लिखेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट, और जो बाकी को वेंचर्स की हानि है उसको लिख देंगे को वेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो इस तरह दोनों का नाम आ जाएगा, अपना और को वेंचर्स का, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो देखा, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको हमें बनाना आना चाहिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, उसके बाद तो बड़े आराम से आप ये एंट्री कर सकते हैं। तो लाभ हानि की एंट्री भी हो जाएगी और हानि होने पर भी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद हम आपको पता है कि हम दो खाते बनाते हैं, पहला बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर, इसका बैलेंस हमने बांट दिया, और उसके बाद बनाते हैं को वेंचर्स का अकाउंट, जो दूसरा को वेंचर्स है, ए बनाएगा बी का अकाउंट, बी बनाएगा ए का अकाउंट। अब आपको उसमें ये नहीं देखना कि पैसे लेने कितने देने कितने, आप तो बस ये ध्यान रखो दोनों साइड का टोटल करो, जिधर डिफरेंस आ जाएगा उधर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख देंगे हम। ठीक है, तो यहां पे हमारे नोट्स में लिखा हुआ है जो अगला, अन्य साथी को देय रकम का भुगतान करने पर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगर इधर डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर उस तरफ आ गया, ठीक है, तो को वेंचर अकाउंट में क्या होता है, इनकम जो आ रही है सब डेबिट साइड लिख देते हैं, सॉरी जो हमारी कैपिटल में पैसा बढ़ रहा है वो सब आ जाता है क्रेडिट साइड पे, और जो नुकसान हो रहा है वो डेबिट साइड पे। अगर कुछ कम हो गया तो देना बन रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, देय रकम का भुगतान कर दिया जाएगा। तो एंट्री को वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही अगर मान लो इधर डिफरेंस आ गया, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू वेंचर अकाउंट। तो हमें ये नहीं देखना है पैसा हम ले रहे हैं या दे रहे हैं, हमें तो बस ये ध्यान रखो कि अगर डेबिट साइड पे कम आ रहा है तो इधर कैश अकाउंट लिख दो, और अगर क्रेडिट साइड पे कम आ रहा है तो इधर कैश अकाउंट लिख दो, और दोनों ही केस में अब कैश लिखो या बैंक लिखो दोनों एक ही बात है। तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाती है हमारी। इसके बाद आपके नोट्स में एक आखिरी एंट्री बची थी हमारी, यदि साहसी स्वयं के दुकान से या गोदाम से माल देता है, ठीक है, तो खुद का माल अगर दे रहा है तो उस केस में एंट्री क्या करेंगे, जरा वो भी देख लेते हैं। देखो, अगर जब साहसी ने माल लिया था तो हमने एंट्री क्या की थी, आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले लिखी कि अगर जो साहसी है उसने माल लिया है, तो लिया है तो हमने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ये एंट्री की थी हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। अब अगर वो जब ये तो था लेने की, पर अगर अपनी दुकान से माल दे रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर टू डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स अकाउंट, उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर जब माल स्वयं लेता है तो एंट्री क्या करता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, और अगर अपनी दुकान से माल दे रहा है तो वो परचेज की हो जाएगी, क्या हो जाएगा, सेल्स। सो खुद का स्टॉक अगर दे रहा है तो हो जाएगा सेल्स, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कहने की बात ये कि अगर हम हमारे ज्वाइंट वेंचर के लिए बाहर से कोई माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तब तो ये परचेज और सेल्स शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पर परचेज या सेल्स की वजह हम यूज करते हैं ज्वाइंट वेंचर शब्द का। पर अगर जब हम खुद कोई माल ले रहे हैं या अपना माल दे रहे हैं, तो फिर वहां पर ही केवल परचेज और सेल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी एंट्रीज हैं जो इन खाते बनाने से पहले हमें एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़नी थी। बाकी आपको पता है मेनली हमें वो खाते बनाने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचर्स अकाउंट, उसमें भी आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल कर चुके हो पहले वाले, उन्हीं की तरह उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे ये आगे के एग्जाम्पल भी है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 7, तब तक इन एंट्रीज को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे नंबर सबके पास है ही सही, तो वहां पर आप इसको पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।